ज्वाइंट डायरेक्टर माधवी रिश्वत कांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जेडी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले शिक्षक को लेकर हुई जांच में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उसकी नियुक्ति को अवैध माना है। फर्जी शिक्षक की शिकायत पर विजिलेंस ने जेडी को गिरफ्तार किया था। आगरा में विजिलेंस द्वारा जेडी को रिश्वत लेते गिरफ्तार करने के मामले में विजिलेंस टीम की जांच के बाद अब नया मोड़ आया है। जिस शिक्षक ने जेडी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था उसकी नियुक्ति को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अवैध माना है। पिछले दिनों आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को विजिलेंस ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेडी पर डीसी वैदिक इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक अजय चौधरी ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ फर्जी नियुक्ति की शिकायत हुई है। इसकी जांच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के पास है। जेडी ने उनके पक्ष में जांच रिपोर्ट देने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। उनकी शिकायत पर विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए जेडी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने की बात कही थी। बताया गया है कि पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने अजय चौधरी की फर्जी नियुक्ति की शिकायत की थी। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपना आदेश दे दिया है। आदेश में कहा गया है कि डीसी वैदिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक के 26 अगस्त 1992 के आदेश द्वारा पूर्व में अजयपाल सिंह की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। अजयपाल सिंह द्वारा इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा विशेष अपील भी दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा याचिका व विशेष अपील 2018 में खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में भी उन्हें कॉलेज में कार्यरत रखने के लिए कोई विभागीय व न्यायालयीय आदेश प्रभावी नहीं है। इससे उन्हें संस्था में सेवारत रखे जाने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता। शिक्षा निदेशक द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर लिखा है। आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी आरपी शर्मा के प्रकरण की जांच के लिए शासन ने 2 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने साजिश करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कराने की मांग की थी। बता दें कि जेडी की गिरफ्तारी के विरोध में शिक्षकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। आगरा से लेकर लखनऊ तक आवाज उठाई थी। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।